हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे हम लोग और एक अपडेट लेके दोस्तों आज चीज हम बात करेगा एम्स बिलासपुर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 का तरफ से बहुत अच्छा वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया। सो जो लोग इस पोस्ट को आवेदन करना इच्छुक है पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं टू जेड पूरा शेयर करेगा इस नोटिफिकेशन और डिटेल्स के बारे में, ठीक है। और जितना भी नर्सिंग कैंडिडेट है उन लोग को भी शेयर कर दीजिए इस नोटिफिकेशन के बारे में, उन लोग को भी पता चल सकता है इस वैकेंसी के बारे में, ठीक है। सो पहले तो देखिए जो एम्स बिलासपुर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी जारी किया, इस मेल और फीमेल के लिए वैकेंसी जारी किया इस पोस्ट में। सो नीचे आता है, नीचे आने के बाद आप लोगों को पूरा डिटेल्स के अनुसार हम आपको पूरा जानकारी दूंगा। एम्स बिलासपुर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से ऑल इंडिया जो मेडिकल साइंस है उसका तरफ से वैकेंसी जारी किया सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए। मेल पोस्ट और फीमेल पोस्ट के लिए 57 वैकेंसी जारी कर दिया। सो इसमें हम बात करके सिलेक्शन प्रोसेस का और सैलरी और पे स्केल क्या रहेगा पूरा डिटेल्स और लास्ट स्टेप क्या रहेगा पूरा डिटेल्स हम आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। सो नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए एम्स बिलासपुर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से 57 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जारी उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेगा। इसमें देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या रहेगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की तरफ से वैकेंसी रहने का। सो इसमें देखिए पोस्ट डिटेल्स में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट रखा है। सो नंबर ऑफ वैकेंसी में 57 पोस्ट रहेगा। एज लिमिटेड देखिए 21 से लेकर 35 ईयर तक एज रखा है। नोटिफिकेशन रिलीज डेट रखा है 7/9/2023 की तरफ से स्टार्ट हो चुका है जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा इसका, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट होगा 7/9/2023, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग डेट क्या रहेगा 4/10/2023, ठीक है। हियरिंग प्रोसेस में आप लोग को राइटिंग एग्जाम का माध्यम में सिलेक्शन किया जाएगा इस पोस्ट के हिसाब से, परमानेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, ठीक है। सो इसमें आता है नीचे एप्लीकेशन फॉर्म मोड में ऑनलाइन मोड में आप लोग इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन में एम्स भोपाल बिलासपुर की तरफ से रहेगा जॉब लोकेशन, ठीक है। सो कंट्री रहेगा इंडिया। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग को राइटिंग एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिए। सो नीचे आता है ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.emsbilaspur.education.in में आप लोग को लॉग इन करें तो पूरा डिटेल्स मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में। सो एम्स बिलासपुर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट को इसमें नीचे आता है, नीचे आने के बाद आप लोग को जो वैकेंसी जारी किया इसका पूरा ऑफिसर का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा एक बार देख लेते हैं। पहले तो हम बात करेगा यहाँ पे देखिए जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मेल कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी रखा है, बीएससी नर्सिंग और बेसिक नर्सिंग विथ रजिस्ट्रेशन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग रहना जरूरी है इस पोस्ट के लिए। 3 इयर्स एक्सपीरियंस रखा है स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के लिए, ठीक है। उसके लिए देखिए जो 12 पोस्ट रहेगा ये मेल कैंडिडेट के लिए, और यूवर के लिए 5, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस 3 इयर्स रखा है, मिनिमम आप लोग को 200 बेड का एक्सपीरियंस रहना जरूरी है मेल कैंडिडेट स्टाफ के लिए, ठीक है। सो नीचे आता है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में फीमेल कैंडिडेट के लिए जो क्या रखा है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी बीएससी नर्सिंग और जेएनएम नर्सिंग है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आप लोग का एक्सपीरियंस जो रखा है 3 ईयर का एक्सपीरियंस रखा है स्टाफ नर्स ग्रेड 2 बीएससी नर्सिंग, मिनिमम 200 बेड का एक्सपीरियंस रखा है, ठीक है। उसमें जो पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट है 45 पोस्ट है, यूवर के लिए 20, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ठीक है। सो नीचे आता है टोटल जो पोस्ट है 57 पोस्ट रहेगा। सो नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो सैलरी रहेगा यहाँ पे देखिए जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के सैलरी लेगा आप लोगों को 47,000 से लेके 1,00,000 के आसपास पर मंथ सैलरी मिलेगा। लेवल आप लोग को 8 मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छा पोस्ट है इस पोस्ट के लिए। सो यहाँ पे देखिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो लास्ट डेट रखा है और स्टार्टिंग डेट रखा है 7/9/2023 से लेके 4/10/2023, ठीक है, ध्यान में रखें इस डेट को अंदर आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे देखिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो फी रखा है 1,500 रखा है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों के लिए भी सेम रखा है 1,500 रखा है, ठीक है। सो आप लोग को ऑनलाइन में इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। हैंडीकैप कैंडिडेट के कैन बी फीस, कोई फीस नहीं लगेगा हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर कैंडिडेट के लिए जो सिलेबस रखा है यहाँ पे देखिए सिलेबस का अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। सो नर्सिंग सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उसके बाद आप लोग का जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट रहेगा, उसके
बाद यहाँ पे देखें जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा उसमें आप लोगों का राइटिंग एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेगा तो जो पीडीएफ है पीडीएफ को एक बार दिखा देते हैं, फिर आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जो वैकेंसी जारी किया इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दे दिया। तो हम पहले जैसे जैसे बता इसका अनुसार आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग डेट है 5/9/2023 से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग डेट रहेगा 4/10/2023, ठीक है। उसके बाद आप लोग ऑनलाइन में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, ठीक है। और पूरा डिटेल्स यहाँ पे दे दिया जो वैकेंसी है ना सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी रहेगा 45 और मेल फीमेल के लिए 45 और मेल कैंडिडेट के लिए 12, ठीक है। टोटल 57 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखा है, उसके हिसाब से आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स यहाँ पे दे दिया है, सो आप लोग चाहते तो इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ कर फिर फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट में जरूर बताना, हम जरूर आप लोगों को सहायता करेगा। सो जैसे जैसे ऑनलाइन में अप्लाई करेगा आप लोग को पूरे डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट में लॉग इन करेगा तो पूरे डिटेल्स अनुसार आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सो थैंक यू वॉच करने के लिए, मिलते हैं और एक नया अपडेट को जल्दी आप लोग के लिए हाजिर हूँगा।